देख कौन सा डांस होगा, जो का डांस होगा, जो का डांस सब पतला होगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह हो गई आप सबको, हमारे तरफ से राम राम जी। सुबह के 7:30 बजे हैं, 7:30 होने वाले हैं सॉरी। और मन्नू यहाँ पे पूजा कर रहा है, मन्नू पेपर देने जा रहा है, मन्नू के पापा आ गए थे। राम राम जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ये आ गए थे सुबह सुबह, आया 6 बजे, और अब ये जा रहे हैं मन्नू को स्कूल छोड़ने के लिए। हाँ जी बेटा जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। गुड मॉर्निंग राम राम जी, राम राम। गुड मॉर्निंग उमा, राम राम, राम राम। और लवन ने अभी तक सो रही है, अब सुबह सोई है ये, इसका टाइम चेंज हो गया, सुबह सोती है, वरना इस टाइम ये उठी होती है। और मन्नु को देती हूँ मैं चाय चूय पीने के लिए। तो मन्नु जा रहा है पेपर देने। कहाँ का फ्रिज बंद हुआ गया? ओए तू थोड़ा यहाँ हैं, उतरे 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 मर्द कपड़े का ख्याल कर दी। मन्नू पेपर देने जा रहे हैं। हाँ हाँ, मन्नू के पापा भी जा रहे हैं मन्नू को छोड़ने। वो पूछ पूछ दे कितना पूछ ला, दरवाजा खड़का रहे हैं। मन्नू तो स्कूल चला गया, और देखो शेरू तो है ही यहाँ पे, इसकी पिछोनी ऊपर बिछा दिया मैंने, ये देखिए ये यहाँ बैठ गया, और ये भी आ गया है। ये पता नहीं अब ये भी ऊपर आके बैठने लग गया। तू कितने आया, तू भी ऊपर आके बैठने लग गया है शेरू के चक्कर से। तो मैं जाती हूँ नीचे, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मम्मी भी सो रही है, अभी लवन्या भी सो रही है, तो साफ़ सफाई करके फिर मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। देख कौन सा डांस होगा, जो का डांस होगा, जो का डांस सब पतला होगा। मन्नू और मन्नू के पापा आ गए। वेलकम बैक बेटा, कैसा रहा पेपर? अच्छा अच्छा। अरे इन दोनों को देखो, इन दोनों की निगाह पे है, हैं दूध लेके आए हैं ना, तो दोनों देखो कैसे देख रहे हैं इनको। पेपर कैसा हुआ बेटू? बढ़िया बहुत बढ़िया। मैथ दा? मैथ दा, हाँ मैथ दा पेपर दा। लब्बू और शेर को दूध पी रहा है, ओदे मुंह तो पूछ मार दे। तो मम्मी यहाँ पे देख रही है हमारा कल वाला ब्लॉग, और मैं मन्नू के पापा आके अपना फ़ोन में लग गए हैं, मन्नू के पापा आके अपना फ़ोन में लग गए हैं। इनको नींद भी आ रही है बहुत तेज, उन्हें अपने ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं। लवन्या बच्चों अभी तक सो रही है, उठी थी फिर सो गई। सब्जी बना रही हूँ मैं, चप्पन कद्दू, चप्पन कद्दू, तो चप्पन कद्दू की सब्जी बन रही है। अब बस मैं रोटी, कद्दू क्यों कहते, कद्दू क्यों नहीं कहते, रोटी बनानी है बेटा। हमने तो ना जिन्होंने नाम रखे उन्होंने पूछना पड़ा, मैंने भी नहीं पता नाम किसने रखा, किसने तो रखे ही होना है वो तो। महान इंसान ने नाम रखा, ये तो वही इंसान को पता होगा जिन इंसान ने नाम रखे। आई डोंट नो बेटा, सॉरी इस नाम टॉपिक के हम बात ना करें तो वही अच्छा। चप्पन का मतलब होता है जो घड़ा जहाँ होता, घड़ा जहा घड़े के उपर जरा ढक्कन होंगे मिट्टी का, उन्होंने कहते चप्पन। तो यह है कद्दू, ये घड़े 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 की शक्ल वर्ग है चप्पन कद्दू, तो शायद यह नाम चप्पन कद्दू रखता है, यदि शक्ल कई बार घड़े वर्ग नहीं लग जाती। मम्मा का ब्रेकफास्ट हो गया, और अब नानी अम्मा फ़ोन पर बात कर रहे हैं, और मम्मा यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो चलो हम शेरू को दिखाते हैं। तो मम्मी जा रही है अब घर को, मैंने बोला भी अभी रुक जाओ कल चले जाना, मम्मी समझती नहीं है। मम्मी को मैं की करूँ, रोटी बना के दे रही हूँ ना, खा लेंगे रोटी बच्चे बना के, पता नहीं कितने दिन से मिल जा रहे हैं। तो मम्मी को टेंशन हो रही है, हां जा रोटी आ जा खांदे हम। चलो ठीक है फिर, चलो ध्यान रखो अपना, और ध्यान ना जाए। चूचू आ गया है, अब उन दोनों को खाना खुना खिलाया, अभी ये आ गया, अब इसको भूख लगी हुई है, अब मेरे को रोटी बनानी पड़ेगी, रुक जा अभी नल बनने बस रोटी बनाऊंगी ना। चूचू गल तो सुन ला, हले लंच बनाना सी, हजे लंच नहीं बनाया, बनाऊंगी मैं, दूंगी तू जाया ना कर, जब मैं कल भी रोटी लेके आई थी मेरे तरफ से तू भज गया।
मैं रोटी बनाने टाइम ही लगता तू भज जाने तेन लगता रोटी बना के रख दी होंगी है चल आ रही रू जो मिनट दुध दे दा शेर तू दो बार खा ली हो शेरू चल नीचे चल चू चू आ जा चल उपर चल उपर चल उपर 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 आ जा ले मैं तो पहला भज आया और रोज मैं जब तक रोटी बनाती तब तक ये चला जाता है फिर अब अगर मैं रोटी बनाने लगी तो ये भाग जाएगा तो मैं चल थोड़ा सा दूध देती हूँ पी लेगा फिर चला जाएगा कपड़े वगैरह अभी सूख गए हैं तो कपड़े भी ले चल मैं दूध पे तो चलिया गया डराता कि मैं डर गई शेरू मैं तो डर गई। अब मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और लंच वगैरह हमारा हो गया था। लवण्या बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, नहा धो के लवण्या यहाँ सो गई है और मन्नू को बोला था मैंने पढ़ लिया, उसके पेपर आ रहे हैं हो चुके। ये भी पता नहीं थका हुआ था, सुबह जल्दी उठा था और ये भी यहाँ पे सो रहा है। अब मैं इसको उठाती हूँ फिर चलते हैं हम छत पे थोड़ी देर। लवण्या भी उठ गई है सो के, शाम के 6 बज गए हैं। मन्नू भी उठ गया है बट इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, गरम गरम सा लग रहा है तो इसको दवाई दे रही हूँ। दवाई लो बेटा। क्या होगा बेटा? दूध पिए कि लब्बू बीरे ने दवाई दे दी फिर दूध दे रही है, दे रही गर्म कर दी है। तो बेटा लो दवाई लो, आप दवाई खाइए, बैठ के खाओ बैठ के और पानी पियो बैठ के। और मौसम देखते हैं कैसा हो गया है, तो जाके देखते हैं मौसम का हाल चाल। झंडा तैयार शाम हो गया है तो डर गई मैं, देखिए ये निकल के बाहर आ गया इससे डर गई बड़बड़ गजो है ये ना। हम यहाँ इसलिए लगा देते हैं कि दरवाज़ा ना हवा से जोर जोर से बजता है, इसी से डर गई गड़बड़। लवण्या पी रही है दूध यहाँ। अरे 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 भाई, अरे भाई, ओए ओ धंधी बढ़ गया तू, ठहर जा की करता है शेरू। हाय हाय बच गया शेरू, शेरू गिरता ही रहता। आ जा नहीं आना कद, नहीं आना सिर सिर ही लाया गया तो नहीं आना। आ गया अभी तो बोल रहा था कि नहीं आएगा और देखना आ गया, ये आ गया भाग के। ओ देखो ये देखना आ गया और उन्हें छट के आ गया। ये देखो दोनों, ओ ये वाला बाजू बूजू पकड़ लेता बड़े तेज से, इसको पता नहीं छोटा वाला छोटा वाला इसको पता नहीं चलता, ये लात लूत पकड़ लेता है। अरे शेरू रुक जा शेरू, अरे ये देखना ध्यान से, अरे वॉशरूम तो जाने दो, ओ देखना आप कुछ लाए नहीं निकल लिए फिर से, हर बार भूल जाते हो। चल फिर चल जल्दी चल जल्दी चल, अरे वॉशरूम तो जाओ, रहने दे फिर। तो मम्मा और डैडा कहीं गए हैं काम से और लब्बू रानी यहाँ पर लेटी हुई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं गया नहीं मम्मा के साथ, मम्मा मेरे को दवाई दे के गए हैं और डैडा बर्गर लाए थे तो मैं बर्गर भी मैंने खा लिया है। मम्मा कहेंगे बुखार में बर्गर खा रहा है। तो अभी देखते हैं शेरू क्या कर रहा है, मैं कुंडा लगा के बैठा था ना, देखते हैं। ओ शेरू तेरा पानी नहीं आया, चलो ये तो यहीं पर बैठा है और बैठा ही रहेगा, पता नहीं कैसे बैठ जाते ये लाते सी चौड़ी करके। ओ मम्मा डैडा आ चुके हैं, मम्मा शेरू नु भी लेके थे, शेरू उठी बैठा था नीचे भज के गया दरवाजा खोलने सानू। अच्छा शेरू और दूजा कुत्ता भी इतने लोग गया पता भज के, तन्नू नहीं पता दोनों थे। अच्छा बिस्कुट खा के आया शेरू पता, आज बाहर ही गेट दे रोक लिया ने सानू। अभी हम घर पहुंच गए हैं और लवण्या बच्चों को मैंने ले लिया है गोदी में, ये लेटी लेटी थक गई होगी और अब हम बना रहे हैं रोटी। हम कहीं काम से गए थे बाहर तो मन्नू और लवण्या को मैं घर पे छोड़ गई थी, तो मन्नू भाई मन्नू की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको दवाई वगैरह दे के गई थी तो मैं चल ये रेस्ट कर देगा और फिर लवण्या भी सो रही थी तो इसलिए इसको घर छोड़ गए थे। बच्चों को कहाँ डिस्टर्ब करेंगे हम ले जाके वहाँ, तो इसलिए हम लोग जाके वापस आ गए हैं और अब हम मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। हम को कब खिलाएंगे रोटी? ओह अच्छा रोटी के लिए मत बोलो, इसको खिला दो रोटी बना के। ओए होए 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 अच्छा लो देखो एक्टिंग वहाँ जा, देखो कहती मुझे खिलाओ रोटी बना के, मैं नहीं खिलाऊंगी रोटी बना के, देखो तो ए नौटंकी बच्चा। रोटी कब बना के खिलाएगी मम्मा को? मम्मा को खिलाएगी रोटी बना के लवण्या? लवण्या रोटी खिलाएगी मम्मा को बना के? यार देखियो कितना गच्चू बच्चा हो गया, बड़ा गच्चू बच्चा। चल बना लूंगा
टाइम रात के 10 बज गए हैं देख लो। और अब हम खाना बनाने लगे, डिनर वगैरह हम सबका हो गया है, टाइम रात के 11 बज गए हैं और इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।